मदना यक्ष ने इनका साधन रात्रि के पिछले पहर किंतु दिन के आरंभ काल में किया जाता है। निजवन में जहाँ किसी मनुष्य की आवाज सुनाई ना दे वहाँ पर छोड़कर की कोपल वाले और उनमें बरगद की टहनी लगाकर हवन सामग्री तैयार करें और पृथ्वी पर हर्ष चक्र का कुंड बनावें। प्रत्येक चक्र का ओम हिरण बीज अंकित करें, बीच में मदना यक्षिणी का नाम लिखते हैं, फिर उनके ऊपर बरगद को छोड़ के कोपल वाली सामग्री रखकर अग्नि में प्रवेश करें। इस प्रकार मंत्र का 5000 जाप वृक्ष के नीचे बैठकर करें। जिस स्थान पर जप करना प्रारंभ करें उसी जगह पर हवन कुंड स्थापित करें। जाप की माला के दाने मोर पंख के बनावें। प्रत्येक दाने के बीच में एक एक गांठ काली ऊनी की लगावें। जब माला तैयार कर चुके तब नियमित समय पर आसन लगाकर दक्षिण मुख कर के जाप आरंभ करें। 21 दिन तब बराबर जाप करते रहें। 21वें दिन यक्षिणी स्वप्न में आकर दिखाई देगी, अपनी हाव भाव कटाक्ष से साधक को मोहित करती है, इस प्रकार से उनकी सेवा करती है तथा सर्वदा उनकी सेवा करती रहती है। स्वप्न वास में भी कुछ साधक कहता है उस काम को तत्काल कर लाती है। जब जाती है वह हर प्रकार से साधक को प्रसन्न कर सललित दे जाती है। रूपवती सुंदर स्त्री, मीठे वचन कहने वाली, मंद मंद मुस्काने वाली, कभी हस्ती कभी नाचती गाती है। पोशाक सदैव काशनी रंग की पहने रहती है। जवानी के मद में चूर रहती है। नूर उनके चेहरे से टपकते रहता है। काम कलाप में अति निपुण होती है। सदा साधक को इच्छानुसार काम करती है, कभी उनको अप्रसन्न नहीं होती। प्रभाव इनके सिद्ध हो जाने से साधक का मन एक जगह एकाग्र हो जाती है, फिर उनको किसी बात की आकांक्षा नहीं रहती। ओम श्री मदना सवरी यक्षिणी स्वाहा। ओम काल भैरवाय नमः। फट फट स्वाहा।